मम्मी हॉस्पिटल में है और मेरा सौतेला बाप मेरी शादी कर रहा है। मुझे अपनी अम्मी को बचाना है। तुम्हें तो पता है ना, मैं ज्यादा तक नाराज नहीं रह सकती किसी से। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बात करती हो क्या आना शुरू होता है तुम पर? बस बहुत हो गया, फोन निकालो। देखिए अगर आपने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की ना तो मैं यहाँ शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तुम चाहती क्या हो? 50,000 रुपए। तुमने उसको माफ कर दिया? हाँ समीर। क्यों? यार क्योंकि वो मेरी एक वाहिद दोस्त है और उसके साथ भी तो कुछ ठीक नहीं हो रहा ना। और व्हाट अबाउट अस? हमारे साथ ठीक हो रहा है? समीर आगू जान, अब क्या होगा? अरे मेरी बच्ची तुम बिल्कुल मत डरो, बल्कि दफा करो उस जल्लाद को। तुम बस जाने की तैयारी करो और खूब जीत कर आना। आगू जान मैं आपको बता रही हूँ, पाशा साहब की डांट के बाद अगर मैं वहां जीत गई ना तो मैं वापस यहाँ नहीं आऊंगी। वहां पर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। और अगर कुछ ना जीत सकी तो? तो फिर क्या, आ जाऊंगी वापस। पाशा साहब आने देंगे इतने आराम से तुम्हें? ये बहू, हमारी क्रिकेट टीम 100 मर्तबा हारती है, किसी ने उन्हें तो आज तक मुल्क से ना निकाला, वापस आ जाते हैं। अरे मैं देखती हूँ कि कैसे कोई निकालता है, आखिर ये मेरा घर है। ये याद है हैं? आगू जान आप मेरे वापस आने तक ये बात भूल तो नहीं जाएंगे ना, क्योंकि अगर मैं हार गई ना बहुत बेइज्जती करेंगे ये लोग मेरी। फिर आपने मेरा साथ देना उस वक्त। मेरी जी, तुम जीतो या हारो मुझे तुमसे प्यार है। ये देखो ये कैसा बन रहा है, पहनोगी? आगू जान ये देखें, एक रैंडम बंदा है और इसने गाड़ी जीती है। उम्मीद, हाँ तुम्हारे लिए शाम में कुछ कोई देके गया है, दिखा। मेरी टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। तुम फाइनली जा रही हो? हाँ कल शाम की फ्लाइट है मेरी, इस्लामाबाद जा रही। तुम इस्लामाबाद क्यों जा रही हो? आगू जान आपको शुरू से बताने के लिए बहुत वक्त लगने वाला है और इतना वक्त नहीं है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे काम करने और पैकिंग भी करनी है। याद आया, हाया मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है और सैंडल्स भी नहीं है, तुम्हारी लूंगी मैं। और जाओ समीर से उसका सूटकेस तो लेके आ जाओ, मुझे नहीं देगा वो। हाँ हाँ मैं लेके आ जाती हूँ, लेकिन तुम पहले जाओ बात करो पाशा साहब से, उनसे इजाजत लो यार। देखो जाऊंगी तो मैं हर हाल, चाहे वो मुझे मना करें या इजाजत दें। हाँ एक दफा जाकर इजाजत ले लूंगी, मगर अगर उन्होंने मना किया ना तो करूंगी मैं अपनी। और वैसे भी आगू जान तो मुझे इजाजत दे चुकी है ना आगू जान? कोई जरूरत नहीं मुझसे इजाजत लेने की, मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ। यानी इस्लामाबाद जाओ? आगू जान आपने सुना, पाशा साहब ने मुझे इजाजत दे दी। यस अब कल शाम को मैं जा रही हूँ। याला कुछ ही घंटे रह गए हैं जहाज उड़ने में। हया तुमने ठीक से चेक किया ना, मैं कुछ भूल तो नहीं रही ना? उम्मीद तुम 30 बार अपना सूटकेस चेक कर चुकी हो, बस कर दो। क्या करूं, पहली दफा जा रही ना, वो भी बाय एयर। एक्साइटमेंट से तो मेरी हालत ही खराब हो रही है। कैसा लगता होगा ना जहाज में? मुझे क्या पता, तो सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। बादलों से ढके पहाड़, सहरा, समंदर जहाज की खिड़की से कैसे लगते होंगे? हाँ मगर जहाज की खिड़की से दूर बैठना। कोई नहीं मैं तो विंडो सीट पर ही बैठूंगी। ठीक है बेटा, मगर अपना बहुत ख्याल रखना, खाना वक्त से खाना। और तुमने होटल तो अच्छा बुक करवाया है ना, वहाँ अनजाने शहर में किसी ऐसे वैसे गेस्ट हाउस में ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। आगू जान आपको बताया तो था, मेरी दोस्त मरियम है ना, उसने सारे इंतजाम देख लिए।
मगर पहले आप लोग मुझे ये बताएं कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? जैसी हो वैसी ही लग रही हो। तुम्हें मैंने कितनी दफा बोला था कि बराबर वाले घर से जाकर स्ट्रेटनर लेकर आ जाऊँ, अब मैं क्या इन कर्ली बालों के साथ जाऊँ? यार उम्मीद मुझसे नहीं होते मांगने वाले काम, अपने स्ट्रेटनर से करो ना। सिर्फ दो दिन की बात है बेटा, इसके बाद तुम्हारी बहन के पास स्ट्रेटनर इलेक्ट्रॉनिक्स का ढेर होगा इंशाल्लाह। मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ तुम्हें तो आजकल अपने सिर्फ माकूल में इंटरेस्ट है। उम्मीद अच्छा ना, आई एम सॉरी। और तुम्हारी मंगनी मेरी वजह से थोड़ी हुई है, इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था ना। किसने कहा था तुमसे कि मेहमानों के सामने जाकर सज धज कर बैठ जाओ? उम्मीद सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा ना, आई एम सॉरी, माफी मांग तो रही हूँ। और वैसे भी अब तो मैं जा रही हूँ ना, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मेरे बाद तुम्हें संभालना है सब कुछ। और कितना संभालू मैं? अच्छा ना आगू जान, मैं आपको भी बहुत मिस करूंगी, बल्कि सबको बहुत मिस करूंगी। सैड तो ना हो। टिकट होगा तो फिर जाओगी ना? समीर यार तू इधर दो टिकट, मेरा टाइम वैसे ही। समीर रुको। समीर मेरा टिकट दे दो वापस, मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। मैं ये सब फोड़ दूंगी, टिकट तोड़ दूंगी। मैं ये अच्छा ना, ओके रिलैक्स, टिकट दो, देखो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ये तो मैं चाहता हूँ। समीर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। और तुम अच्छा कर रही हो, तुम्हें पता है बाबा कितना हर्ट हुए तुम्हारी वजह से। यार पाशा साहब फजूल में ओवर रिएक्टिंग कर रहे हैं यार, सुबह से बीमार हैं। तो तुम हो ना उनका ख्याल रखने के लिए, उनके चहीते बेटे। जो पैसा उन्होंने तुम पे खर्च किया है वसूली का टाइम आ गया। और तुम? मैं अपना ये गोल्डन चांस मिस नहीं कर सकती। सच में चली जाओगी? वाओ यार, अब देखो ये इमोशनल ब्लैकमेल मत करो मुझे, वरना फिर मैं इमोशनल हो जाऊंगी। और देखो मैं भी उनकी बेटी हूँ, मुझे भी बाबा का ख्याल है, और मैंने अल्लाह जी से उनके लिए बहुत सारी दुआएं मांगी हैं। तुम देखना वो ठीक हो जाएंगे, और देखना जब मैं जीत कर आऊंगी ना, सबसे ज्यादा खुशी बाबा को ही होगी। तो ना मेरा टिकट, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। गुड लक। थैंक यू ब्रो। यू वेलकम ब्रो। देखो मैं तुम्हें फरजाद के करीब रहना है, उसका बहुत ख्याल रखना है, राइट? अच्छा तुमने वो कपड़े पैक कर लिए जो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ? यस मैम, मैंने पैक कर लिए। ये जो तुम इतना ज्यादा हंस रही हो, फरजाद तुमसे मुतासिर हो ना हो तुमसे चिर जरूर जाएगा। ठीक है मैम, अब मैं मुस्कुराऊंगी नहीं, लेकिन प्लीज आप सर को याद दिला देंगे वो मुझे और न डांटे। कैसी शक्लें बनाती हो तुम, तुम्हारा इतना स्पेक्टेक्युलर मेकओवर किया है सब बर्बाद कर रही हो। ऐसे ठीक है तो आप ही मुझे बता देना मैं क्या करूं। उसका बहुत ख्याल रखो, मैं चाहती हूँ कि फरजाद तुमसे खुद से मुतासिर हो जाए। ट्रस्ट मी, मैं उसे लड़कियां दिखा दिखा कर तंग आ चुकी हूँ, तुम समझ रही हो ना? यस मैम। माँ मेरे बैग्स गाड़ी में रखवा दिए। माय गॉड, तुम्हारी हील्स कहाँ है? माँ मेरा बैग गाड़ी में रखवा दिया। अब रखवा दिया है बिल्कुल। थैंक यू। तुम बाहर आ जाओ बेटा। बेटा कौन बेटा? सर मैं। माँ ये यहाँ पे क्या कर रही है? हमारी असिस्टेंट है, जाहिर है साथ जाएगी। माँ आपको पता है मुझे अकेले ट्रैवल करने की आदत है। I don't like any disturbance. कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, मैंने उसको पूरी तरह से समझा दिया है। She'll be very helpful. माँ मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। फरजाद तुम अपने काम में इतने बिजी होते हो, कोई तो हो जो तुम्हारा सागुदाना बनाए। इसे पता नहीं क्या सोचते हो, सागुदाना खाता हूँ। ये तुम्हारे साथ जाएगी, no more questions about this. तुम यहाँ अभी तक क्यों खड़ी हो? फ्लाइट का टाइम हो गया, चल चलो। सर चले? माँ क्या हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, और ये लड़की कौन थी? तुम्हारी ना होने वाली भाभी।
ऐसे सोगवार खड़े जैसे मैं किसी महाजे जंग पर जा रही हूँ। बच्चे परेशानी तुम्हारी नहीं है बल्कि तुम जहाँ जा रही हो उनकी फिक्र हो रही है, अल्लाह रहम करे उन पे। चाचू मैं पहले ही नर्वस हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है, पता नहीं वहाँ जाकर मेरा क्या होगा। उम्मीद मेरे हाथ की आखिरी चाय की कप तो पीती जाती। हाँ मैं तुम्हारे हाथ की चाय को बहुत मिस करूंगी, पता नहीं वहाँ पर मुझे चाय नसीब होगी भी या नहीं। चाय का थर्मस बना दूँ? कोई जरूरत नहीं। अरे चाय को छोड़ो, इस वक्त जो मैंने इसके लिए वो सारे खाने पैक कर आए हैं वो तो ले आओ। आगू जान मैं घर जाता हूँ। आगू जान मैं 5-स्टार होटल में जा रही हूँ, वहाँ पर मजे मजे के खाने होंगे, वो खाऊंगी आपका बासी खाना। अच्छा गुड़िया वही खा लेना, लेकिन दादो ने तुम्हारे लिए जो बनाया है वो तो पहनोगी ना? ये पहन कर जब गेम खेलोगी तो इंशाल्लाह जीत कर आओगी। I love you. अच्छा जरा ये तो बताओ, ये जो खाने खाओगी होटल में रहोगी ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं तुम्हारे पास? अरे बताया तो था एक दोस्त से उधार लिया है। ध्यान से खर्च करना, हार गई तो ये पैसे हमारे ही गले पड़ जाएंगे। जीनत क्या बातें कर रही हो? सही कह रही हूँ। बच्चे ये थोड़े पैसे रख लो तुम्हें जरूरत है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? पाशा साहब ने मना किया था ना उम्मीद की कोई माली इमदाद नहीं करेगा, भाई मेरी नहीं मान रहे, कम अज कम अपने भाई का हुक्म तो माने। कोई बात नहीं चाचू मैं निपा है। उम्मीद मेरी क्या आ गई है? ओके मैं आप सब लोगों को बहुत मिस करूंगी। उम्मीद मैं बहुत मिस करेंगे उम्मीद। अच्छा बस अब इस लाइन से आगे आप कोई नहीं आएगा क्योंकि आगे पाशा साहब की टेरिटरी है। चलो ओके बाय। चलो चलो कुछ नहीं होगा। पाशा साहब प्लीज नाराजगी खत्म कर दें, मैं जा रही हूं। आई नो उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था आपको, उसके लिए मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूं आप जाग रहे हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में जो किताब आपने अपने मुंह पर रख ली है वो मेरी किताब है, और इतना तो मैं जानती हूं कि ये किताब पढ़कर आपको गुस्सा तो आ सकता है मगर नींद नहीं, मतलब अब आपकी डांट सुने बगैर ही जाना पड़ेगा। हो सके तो मेरा गेम शो देख लिएगा, इतने बुरे भी नहीं होते ये शोज, और मेरी जीत के लिए दुआ कीजिएगा। हाफिज बाबा मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैंने आपको आपकी होटल रिजर्वेशंस व्हाट्सएप कर दी हैं और ये रहा कुछ कैश, आपको जरूरत पड़ सकती है। क्यों सर, क्या आप मेरे साथ ही चल रहे? नहीं मैं दूसरे होटल में ठहरूंगा। मगर क्यों सर? ड्राइवर इन्हें इनके होटल ड्रॉप कर दो, मैं खुद ही आ जाऊंगा। मगर सर मैं यहाँ अकेली लड़की शहर में, आपको तो पता है। टेक केयर। सर ये तो बता दे कि आप कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? आई सी यू सून। सर डिग्री खोलो। सर 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 सर।
हेलो महक बेटा, कैसा चल रहा है दिन? मुझे आपके बेटे के साथ सांस लेने तक की तो इजाजत होती ही नहीं है। सफर जैसे तैसे गुजर ही गया मेरा, मगर अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? बस आप मुझे अभी वापस बुलाए। बेटा क्या बात है, फरजाद तुम्हारे साथ है? नहीं, बस आप मुझे अभी वापस बुलाए। फरजाद ने कुछ कहा है? नहीं, आप मुझे वापस बुलाए। वो तो ठीक है, लेकिन फरजाद है कहाँ? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हें बता कर नहीं क्या? नहीं, वो एयरपोर्ट से किसी और होटल चले गए और यहाँ मुझे किसी और होटल भेज दिया। प्लीज आप मुझे अभी इसी वक्त वापस बुलाए। गॉड, ये लड़का भी ना। अच्छा सुन, तुम काम करो अपने आप को, रिलैक्स, मैं कुछ सोचती हूँ। लगता है भाई के लिए जो आपने अजीब सी मखलूक भेजी थी, भाई ने उसे जान छुड़ा ली है। मरियम, सॉरी। प्लीज ऐसी बातें कहकर ना मुझे मजीद तंग मत करो। तुम बस अपने भाई को समझाओ कि वो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस हो जाए। माँ, मुझे लगता है भाई अपनी लाइफ के बारे में ऑलरेडी बहुत सीरियस है, इसीलिए शादी नहीं कर रहे। अगर उसने इस साल शादी नहीं की तो मैं झट से तुम्हें रुख्सत कर दूंगी। कर दे। पहले यूनिवर्सिटी तो खत्म करो। मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारा भाई कब तक लड़कियों को भगाता रहेगा। Good weather, hashtag I'm enjoying, hashtag slum. हाय अल्लाह, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे क्यों वहम सता रहे हैं? नहीं उम्मीद, ऐसी चीजों के बारे में सोचकर नए शहर का मजा खराब नहीं करना मुझे। पोस्ट इट। यस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक्सक्यूज मी, ये जो तुम लड़के जानबूझकर टकराकर फिल्मी सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हो ना, सब जानती हूँ मैं। ये हीरोगिरी आने चलेगी। ये जो सामान गिराया ना मेरा, वो उठाओ। अब टकरा गया है जो तुमसे, दिल ही तो है। आप सोचो, पाकिस्तान के होस्ट एक ही खान है ना? जी हाँ। लेकिन आपको तो निकाल दिया था ना शो से। अरे उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले, आप समझे, हम इधर भी निकल आए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है मैं भी ना एक्चुअली इस शो के लिए आई हूँ यहाँ पे, और देखिए वापसी में करोड़ों जीत कर जाऊंगी इंशाल्लाह। इतनी ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं, हमारे शो से ज्यादा लोग कुछ जीत के नहीं जाते। ज्यादा से ज्यादा एक बाइक या कुछ छोटी मोटी चीज। आपस की बात है, इनके पास इतने पैसे अगर होते तो ये मुझे ना दे देते। देखिए मेरी बात सुने, अगर आप अच्छी बात नहीं निकाल सकते ना मुंह से, तो खामोश रहे। एक तो मैं इतनी दूर से पहली बार शहर में आई हूँ अकेले, और आप है कि ओह, आप अकेली हैं, डरने की जरूरत नहीं, एक ही खान आपके साथ है। मैं डरती वरती नहीं हूँ किसी से, ओके? अब आप मुझे डरा रहे हैं। हाँ तो आपकी सजा है, आपने जो मेरा सामान गिराया उसके बदले आप मेरा ये सामान कमरे तक पहुँचाएंगे, ओके? श्योर एंथनी, तुम मेरा सामान लेके जाओ। Hashtag staying in hotel. पहुंच गई अपनी जन्नत में तुम। अपनी जन्नत कहाँ यार, बस एक बार मुझे इनाम जीत लेने दो, उसके बाद अपने घर को ना जन्नत बना दूंगी, जन्नत देखना तुम। वैसे उम्मीद, रूम तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना?
अच्छा है ना? बाकी होटल कितना प्यारा होगा ना? सोचो कमरा इतना हसीन है तो होटल कितना हसीन होगा, बिल्कुल ड्रीमी है, ड्रीमी। बहुत प्यारा होटल है। और व्यू कैसा आ रहा है? ये देखो कैसा है। अच्छा है ना? ये देखो। ये यहाँ क्या कर रहा है? अब कौन आ गया, भूत देख लिया क्या? हया ये वही बंदा है जिससे मैंने पैसे उधार लिए थे, ये कहीं मेरा पीछा करते करते यहाँ तो नहीं पहुँच गया? तो क्या हो गया, पैसे ही लिए थे ना, चोरी कौन सी की थी? हाँ लेकिन एक गलती हो गई थी मुझसे, एक तो मैंने उससे कुछ पैसे उधार ले लिए थे, ऊपर से उसे अपने बारे में सब कुछ झूठ बताया था, और सबसे बड़ी बात उसका फोन मेरे बैग में रह गया था, उसे लग रहा था कि मैं चोर हूँ, मैंने उसका फोन चुराया। नीत यार क्या कर रही हो, तो तुमने पैसे लिए और झूठ भी बोल रही हो? सच में हया मेरी नीयत साफ थी, मैंने सोचा था जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे ना किसी तरह से उसे रابطہ करूंगी और उसके पैसे उसे वापस दे दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरा पीछा करते करते इस्लामाबाद तक आ जाएगा। तो अब जाओ ना, देखो क्या कह रहा है वो। हाँ लेकिन अभी यहाँ पर कोई नहीं है, कहीं मेरा वहम तो नहीं है? मुझे लगता मुझे सफर की वजह से ना जेट लैग हो गया। क्या जेट लैग? हाँ सही कह रही हो, मेरा वहम होगा, ऐसे कैसे वो मुझे हर जगह दिख सकता है, पहले वहां और अब यहाँ? नहीं, ये मेरा वहम है। चलो अच्छा आराम कर लो तुम फिर। नहीं हाँ ठीक है। उम्मीद वहम है तुम्हारा यार। जीनत, वलीद बहुत अच्छा लड़का है, इतना मिलनसार और इखलाक वाला है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इतना ही पसंद है तो उम्मीद के करा दें। अरे बहू तुम इस बात को समझो तो सही कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, जहाँ हया का नसीब था वहाँ जोड़ी बन गई। नहीं आहू जान, आसमानों पे नहीं, ये रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया है। अरे पाशाओं की लड़की भाग गई तो मेरी मासूम सी बच्ची को कुर्बानी की बकरी बना दिया। हया ये क्या सारा किचन बाहर निकाल के रख दिया है, कितनी दफा तुमसे कहा है सबके सामने अच्छा बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें? मुझे पापा ने कहा था। यार तुम अपनी अकल भी कभी कभी इस्तेमाल कर लिया करो, चलो समेटो ये सब। अरे भाई मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, रहने दो हया। सबको अपनी अपनी पड़ी है यहाँ पर, अरे मेरे दुख का किसी को कोई एहसास नहीं है। अरे वहाँ उम्मीद निकली हुई है सैर सपाटे पर, लेकिन मेरी बच्ची, अरे जबरदस्ती उसका रिश्ता कर दिया गया उस लड़के से जिसको उम्मीद ने रिजेक्ट किया था। क्यों? मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं आपको बता रही हूं, मैं पाशा साहब से जरूर दो टोक बात करूंगी। जीनत, जीनत बात सुनो। जीनत, हया तुम्हारी उम्मीद से बात हुई है क्या? जी आगू जान। कैसी है वो? वो कह रही थी वो ठीक नहीं है, पता नहीं उसको जेट लैग हो गया है। ये क्या बला है भाई? मुझे खुद भी नहीं पता, हवाई सफर में हो जाता है। वहाँ जाते ही मेरी बच्ची बीमार पड़ गई ना। किसकी तबीयत खराब है? उम्मीद की। हया बता रही उसे जेट लैग हो गया है। जेट लैग? जेट लैग 2 घंटे के सफर से नहीं होता, टाइम डिफरेंस से होता है। ये क्या कर रही हैं आप? आप मेरा पीछा कर रहे? Excuse me? देखिए मैं ना एक शरीफ लड़की हूँ और आप भी शक्ल से माकूल लगते हैं, मगर ये जो हरकतें आप कर रहे हैं ना ये कहीं से भी शराफत के जुमरे में नहीं आती। What? माना कि मैंने आपसे उधार लिया है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मेरा पीछा करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है ना कि मैं आपके पैसे वापस नहीं करूंगी तो आप एक काम करें, ये मेरी अम्मी की निशानी, ये घड़ी आप रख लें ताकि आपको यकीन आ जाए, और दे दूंगी मैं पैसे वापस, और खबरदार जो मेरा पीछा किया। स्टॉकर,
हाँ उम्मीद बोलो। हेलो हया, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। अब क्या हुआ, अब किसे देख लिया? वो वही है, अभी मिलकर उससे बात करके आ रही हूँ मैं। क्या कह रहा था? कहा तो उसने कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उसके इरादे ना ठीक नहीं लग रहे। उसे ना उम्मीद, अगर इतने मसले तो क्यों गई थी भाई? यार उनका स्टूडियो इस होटल से करीब है, इसलिए यहाँ पर है। मुझे क्या पता था यहाँ पर वो मुझे मिल जाएगा। अच्छा भाई, तुम्हारे बैग में मैंने पेन किलर्स रख दी थी, तुम एक ले लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। वाह हया, थैंक यू। इससे माकूल भाई के ना बैठे बैठाए मजे हो गए। इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। आई लव यू। ओके बाय। बैठे ना, चाहे बात करें। करता हूँ बात, तुम थोड़ा सा सब्र। अरे कितना करता हूँ मैं। अब आप प्लीज ऑफिस में जाएगा, आज रात को आपकी तबीयत बिल्कुल खराब थी। बेटा, आई टुक बिग पेन, ये छोटा मोटा टेम्परेचर कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। पाशा साहब, समीर ठीक कह रहा है, आप आपको आराम करना चाहिए। नहीं नहीं, बाहर से टीम आई हुई है, मेरा जाना जरूरी है। मतलब सारी जिंदगी आपने इसी दयानतदारी के साथ काम किया, क्या मिला आपको? इज्जत। मेरे ऑफिस का हर सीनियर जूनियर बंदा जो है ना, मेरी इज्जत करता है। लेकिन आज मुझे पता चला कि औलाद को कुछ और ही चाहिए। बाबा प्लीज डोंट से दिस। पाशा साहब, साख लाख से अच्छी होती है, उम्मीद तो नादान है। बेटा तुम आज से ही आर्ट गैलरी जाना शुरू कर दो। मगर पाशा साहब, आपने तो समीर को डॉक्टर बनाना था, इरादा बदल लिया आपने। इरादा बदला नहीं है, डर गया हूं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपसे ना हो पाएगी ये बात, दो टोक ना मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। तो मैं बात कर। समीर बेटा अपने रूम में जाओ, चाचू की बातें सुन रहे हो। तुम बच्चों का तो ख्याल करो, उनके सामने जबान खुलती नहीं है, है ना यार? बिल्कुल ही जीप। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे 8 बज चुके हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा गेम शो सोचो पाकिस्तान शुरू हो चुका है। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए हजारों के नहीं बल्कि लाखों के, क्या लाखों के भी नहीं, करोड़ों के इनामात। तो कौन कौन जीतना चाहता है? ठीक है, तो गेम का आगाज करते हैं। सबसे पहले बुलाते हैं आपको मेरे भाई, आइए आइए स्टेज पे आइए। शाबाश, जबरदस्त, तालियां भाई, तालियां। और आइए भाई जान, आप भी भाई। गेम बहुत सिंपल है, सबसे ज्यादा पुशअप निकालने वाला ले जाएगा काका की मोटरबाइक।
तो शुरू हो जाओ। 1, 2, 3 शुरू। आप जीत चुके हैं काका की मुठभेड़। आए तो मुझे जी नाजी, अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं और इस सेगमेंट का विनिंग प्राइस है 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए कौन कौन जीतना चाहता है? मैं। सेगमेंट में खेली जाएंगी 2 गेम्स। पहली गेम का नाम है म्यूजिकल चक्कर और दूसरी का नाम है झूठ बोले कव्वा काटे। पहली गेम म्यूजिकल चक्कर के लिए मुझे चाहिए हैं 8 खिलाड़ी और 8 खिलाड़ी होंगे हमारी ऑडियंस में से। तो सबसे पहले स्टेज पे कौन आना चाहेगा? हाँ मेरी प्यारी बहन, आप आ जाओ, आओ आप आओ, आप भी आ जाए। मेरी बहन यहां जो बैठी है आप आ जाए, बेटा आप भी आ जाए। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। आ जाए आ जाए, आप दोनों भी आ जाए। शाबाश, जबरदस्त जी। तो हमारे पास टोटल कितने कंटेस्टेंट हो चुके हैं? लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक और कंटेस्टेंट चाहिए जी। मोहतरमा आप येलो कपड़ों में आप आ जाए। अरे आपकी दुआ अलमिया ने सुन ली है, आंखें बंद करके बैठी हुई है। अरे भैया जरा इनको स्क्रीन पे तो दिखाओ। फॉरन ट्रैक पे आओ, लड़की को जूम करो। मुझे क्यों नहीं डाल दे? हाय, अच्छी लग रही है। तेरी बच्ची इतनी खूबसूरत लग रही, इसके बाल इतने लंबे कैसे हो गए? इतने लंबे थे हैं? मोहतरमा आप सिलेक्ट हो गई। मैं जी आप तालियां जी। आपका नाम क्या है? आपका 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 अरे आपका उम्मीद पाशा। उम्मीद पाशा। गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि गेम को खेलना किस तरह है। मेरे आशर्स पोजीशन पे आ जाएं। आप लड़कियों देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ एक सर्कल है जिसके ऊपर मुख्तलिफ नंबर्स हैं, इवन और ऑड नंबर्स हैं। इवन नंबर्स के ऊपर आपने रहकर सर्कल पे मूव करना है, म्यूजिक प्ले किया जाएगा और आप इवन नंबर्स उन बच्चों के लिए जिनको इवन नंबर्स का नहीं पता, वो नंबर्स जो कि डिवाइड हो सकते हैं उनको कहते हैं इवन नंबर्स, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह नंबर्स बढ़ते जाएंगे। जिधर म्यूजिक रुकेगा आपने भी रुक जाना है। जो लड़की ऑड नंबर पे होगी वो गेम से बाहर हो जाएगी। क्या गेम समझ आ गई? जी। जबरदस्त, तो गेम खेलने के लिए तैयार हो? यस। आ जाओ अपनी पोजीशन पे, आ जाओ सर्कल में। 3, 2, 1 म्यूजिक। जी क्या नंबर है? बाहर आप 29। आप बाहर जी। तो दो लड़कियां रह चुकी हैं, लास्ट चांस। म्यूजिक और म्यूजिक जी। क्या नंबर है? 11 आउट। थैंक यू जी। आपका 14 तालियां। और उम्मीद पाशा के साथ हम खेलेंगे अपना अगला राउंड जिसका नाम है झूठ बोले कव्वा काटे। लेकिन ये गेम खेलेंगे हम एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सोचो पाकिस्तान। जी सेल्फी। सेल्फी हाँ सर। रुक जाओ साइड पे। थैंक यू। यू आर वेलकम। आप अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखिएगा। कोई भी सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? मतलब अब आप सामान उठाने का बदला लेंगे मुझसे?
हर किस ने? हम तो दिलो जान देने और लेने वाले लोगों में से। देखिए शेर और शायरी की आड़ में ना अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। यार इसको लेके जाओ। आपको पता है ना कि मैं इस शो का होस्ट हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो आप इस शो से एक भी चीज नहीं जीत सकते। खबरदार, जो आपने मेरी जीत के राह में अपने तार को लटकाए। तो आप भी कोई फूल जैसी बात कर दे ताकि हम भी आपके रिश्ते में फूल बिखेर। हाँ तो एक काम करते ना, लड़ाई लड़ाई माफ करते हैं और सुलह कर लेते हैं। वो कैसे? आप मुझे सॉरी बोल दें और मैं आपको माफ कर दूंगी। क्या? आप रहने ही दीजिए। एंथनी, लेट्स गो।